सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस वंस अगेन। दोस्तों बहुत ही जल्द जुपिटर 110 का नया मॉडल मार्केट में लॉन्च होने वाला है, लेकिन दोस्तों अगर अभी आप स्कूटर लेना चाहते हैं, जुपिटर अगर आप अभी लेना चाहते हैं, तो ये वाली जो जुपिटर क्लासिक मॉडल है जो कि फिलहाल आप देख रहे हैं 5 मिलियन एनिवर्सरी एडिशन, ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्रीमियम सा 110 सीसी प्रीमियम स्कूटर साबित हो सकता है। और दोस्तों अगर आपका जो बजट है वो फ्लेक्सिबल है, अगर आप क्लासिक फीचर्स चाहते हैं हर दिन चलाने के लिए, एक अच्छा खासा प्रीमियम फीचर्स के साथ स्कूटर चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए TVS जुपिटर कि ये जो क्लासिक एडिशन है ये एक बहुत ही बढ़िया सा चॉइस बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो द बंगाल राइडर यूट्यूब चैनल, मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत। और दोस्तों मैं आज इस वीडियो को शूट कर रहा हूं शुभ TVS हावड़ा में। शोरूम का जो पूरा डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो जुपिटर एडिशन है इसमें आपको दोनों जो व्हील्स है वहाँ पे आपको एल्युमिनियम फिनिश देखने को मिल जाएगा, यानी कि डायमंड कट फिनिश मिल जाएगा। बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आपको प्रीमियम लुकिंग सीट्स, बैकरेस्ट देखने को मिल जाएगा, अपडेटेड ग्राफिक्स, विंडशील्ड, ब्लैक्ड आउट मिरर्स, ऐसे कई सारे चीज़ें आपको ये क्लासिक एडिशन में मिलेगा जो कि आपको दूसरे एडिशन्स में नहीं मिलेगा। फिलहाल जो आप ये मॉडल देख रहे हो दोस्तों क्लासिक एडिशन है और इसमें आपको डिस्क देखने को मिलता है। कोलकाता में लेने जाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी जो प्राइस है ये 1,12,000 की आपको ऑन रोड अप्रॉक्सीमेट पड़ जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर बात करें मैकेनिकल चेंजेस की, तो कोई भी यहाँ पे मैकेनिकल चेंजेस नहीं है, सारी चीज़ें आपको कॉस्मेटिक मिलेगा एंड इन टर्म्स ऑफ फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पीछे की तरफ देखें तो जुपिटर क्लासिक बहुत ही शानदार तरीके से स्टाइलिश वे में यहाँ पे लिखा गया है 5 मिलियन एनिवर्सरी एडिशन, ये आप देख ही सकते हो, उसका स्टिकर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 5 मिलियन यहाँ पे स्टिकर दिया गया है। प्रीमियम क्वालिटी का ये स्टिकर आता है। ओवरऑल अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी इज डिसेंट, पेंट क्वालिटी इज डिसेंट, और साथ ही में TVS का आपको ब्लैक्ड आउट 3D एम्बलम देखने को मिलता है। आगे की तरफ देखें दोस्तों तो स्ट्राइप के साथ आपको ब्लैक कलर की एक विंडशील्ड देखने को मिलता है, जो कि गाड़ी की ओवरऑल जो विंड का जो प्रोटेक्शन है उसको भी बनाकर रखता है, काफ़ी एक अच्छा प्रीमियम फिनिश भी दे देता है। ब्लैक्ड आउट राउंड क्लासिक मिरर्स भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि अगेन फील्ड ऑफ व्यू की अगर हम बात करें तो फील्ड ऑफ व्यू आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। ये जो कलर है दोस्तों ये मिस्टी ग्रे कलर है, और आगे की तरफ भी आप देखेंगे जुपिटर का एक अलग से एम्ब्लेम दिया गया है, और साथ ही में दोस्तों मेटल की मडगार्ड के साथ साथ आपको ये रबर फिनिशिंग, और साथ ही में एक मडगार्ड के ऊपर एक स्टाइलिश ब्लैक कलर का पियानो ब्लैक फिनिश में एक चीज़ एक डिज़ाइन एलिमेंट दिया गया है। अब दोस्तों दोनों ही व्हील्स में आपको डायमंड कट या फिर एल्युमिनियम कट, जो भी आप कहना चाहते हो, डायमंड कट फिनिश देखने को मिलता है, जो कि मशीन फिनिश भी बहुत लोग बोलते हैं, तो आपको दोनों ही व्हील्स में देखने को मिल जाएगा। साथ ही में जो इंटीरियर्स है, इंटीरियर्स आपको यहाँ पे ब्राउन कलर में देखने को मिल जाएगा, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड एडिशन। साथ ही में जो स्विच गियर क्वालिटी है, स्विच गियर क्वालिटी दोस्तों यहाँ पे अच्छा डिसेंट स्विच गियर क्वालिटी दिया गया है। आगे की तरफ आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएगा, और साथ ही में दोनों ही जो टायर्स है दोस्तों 12 इंच के ट्यूबलेस टायर्स दिए गए हैं। बार एंड वेट्स जो है हैंडल में ये भी ब्लैक्ड आउट दिया गया, और दोस्तों आप देख ही पाएंगे कि इस कलर में पूरा ब्लैक्ड आउट फिनिश ही आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है, यानी कि सारी चीज़ें ब्लैक्ड आउट ही दिया गया है। स्विचेस की फीडबैक टैक्टाइल है, ऑल इन वन की स्लॉट आपको मिलता है, और नॉर्मल मीटर कंसोल जो है वो बिल्कुल आपको क्लासिक टाइप का मिलता है, कोई भी डिजिटल यहाँ पर नहीं आता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखें तो USB चार्जिंग पोर्ट मिलता है, एक छोटा सा पॉकेट आपको मिल जाएगा, एक रिट्रैक्टेबल हुक आता है, और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का आपको सीट देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको दूसरे एडिशंस में नहीं मिलता है। सीट हाइट 765 mm है, जो कि किसी भी हाइट के राइडर इजीली बैठ पाएगा, इजीली चला पाएगा। पिलियन के लिए भी बहुत अच्छा जगह है, और क्लासिक के एम्ब्लेम इसके ऊपर भी मिलते हैं, यानी कि अटेंशन टू डिटेल जो है ये बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने ध्यान में रख के ये बनाया है। अब पीछे आपको एक बैकरेस्ट देखने को मिलता है, हालांकि ये बैकरेस्ट अगर थोड़ा सा और लंबा होता, थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा होता, तो मेरे ख्याल से पिलियन कंफर्ट और बेटर हो सकता था, लेकिन काफ़ी एक अच्छा जुपिटर के एम्ब्लेम देकर ये बैकरेस्ट किया गया है। और साथ ही में दोस्तों अगर आप बॉडी के एम्ब्लेम को देखें तो जुपिटर क्लासिक आपको पीछे मेन बॉडी पर लिखा हुआ मिल जाएगा, दो स्ट्राइप्स आता है ग्रे कलर का। अब फुटबोर्ड की अगर हम स्पेस की बात करें तो ईजिली एक गैस सिलेंडर आप कैरी कर सकते हो, अच्छा खासा यहाँ पे फुटबोर्ड की स्पेस दिया गया है। अब इसमें एक्सटर्नल फ्यूल फिलर कैप आता है दोस्तों, और माइलेज की अगर हम बात करें इस गाड़ी की तो अराउंड 55 से लेकर 60 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज इजीली देखने को मिलता है। सिंगल सिलेंडर एयर कूल 2 वाल्व 109.7 सीसी का इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन इंजन आता है, 7.3 bhp का पावर आपको देखने को मिलेगा एंड 8.4 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको मिलता है। सेल्फ और किकस्टार्ट दोनों ही है दोस्तों, और साथ ही में आपको इसमें दोनों साइड हैंडल लॉक मिलेगा, और इजी सेंटर स्टैंड यानी कि काफ़ी हल्का एक सेंटर स्टैंड देखने को मिलता है। साथ ही में साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ भी आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि फीचर लेडन है, बहुत सारा फीचर्स वगैरह आपको देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों गाड़ी की अगर वेट की बात करें तो अराउंड 110 kg की गाड़ी की वेट है। आगे की तरफ हेडलैम्प को देखें तो हेडलैम्प कंप्लीटली LED यूनिट है, और साथ ही में जो बॉडी इंटीग्रेटेड इंडिकेटर्स दिया गया है ये सारे
नॉर्मल बल्ब से। पीछे की तरफ आपको एलईडी बैकलैम्प यूनिट मिलेगा और साथ ही में नॉर्मल बल्ब वाले इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे 6 लीटर्स की पेट्रोल टैंक कैपेसिटी दिया गया है, तो काफी अच्छा हमें एक टैंक रेंज देखने को मिलता है। और दोस्तों बाकी अगर चीज़ों की बात करें तो अच्छा खासा फुटबोर्ड है, और साथ ही में मीटर कंसोल की मैं आपको बात कर रहा था तो इको और पावर के इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, और नॉर्मल क्लासिक मीटर कंसोल यूनिट ही आपको मिलता है। कोई भी यहाँ पे डिजिटल चीज़ें नहीं है, क्योंकि मॉडल जो है ये क्लासिक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे ओल्ड लुक टाइप का ही दिया गया है। अब इसमें साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ, इंजन मैलफंक्शन लाइट, ऐसी कई सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। और इतना सारा, जैसे कि आप देख ही सकते हो दोस्तों, यूएसबी चार्जर, रिट्रैक्टेबल हुक, छोटा सा एक पॉकेट, ऐसी बहुत सारी आपको कन्वीनियंस फीचर्स देखने को मिल जाएगा। और साथ ही में सीट के नीचे आपको हुक मिलता है, यानी कि ड्यूअल हुक आपको देखने को मिलता है। 21 लीटर्स का बहुत ही बड़ा सा अंडर सीट स्टोरेज आपको मिलता है, तो आप एक हाफ फेस हेलमेट के साथ साथ कई सारे और भी सामान भी इसमें कैरी कर सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे आगे की तरफ सस्पेंशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। आगे और पीछे दोनों ही तरफ 90x90 12 इंच के ट्यूबलेस टायर्स दिए गए हैं। आगे की तरफ आपको 170mm की डिस्क ब्रेक मिलेगा। अब दोस्तों टायर्स यहाँ पे 12 इंच का है, तो इसीलिए अच्छा खासा आपको रोड स्टेबिलिटी मिलता है। मडगार्ड जो है ये मेटल का आता है, और ओवरऑल डैम्पिंग की अगर बात करें सस्पेंशन की, तो सिटी के हिसाब से ये ट्यून किया गया है। पीछे की तरफ आपको 130mm का ड्रम ब्रेक मिलेगा, और इसमें SBT यानी कि सिंक ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी आता है, जो कि नॉर्मल कॉम्बी ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी ही आप कह सकते हो, बस TVS का दिया हुआ नाम है सिंक ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। ग्राउंड क्लियरेंस लेके मुझे थोड़ा सा शिकायत है, क्योंकि 150mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है, जो कि काफ़ी मेरे ख्याल से कम है। थोड़ा सा 10-15mm ज़्यादा होता तो मेरे ख्याल से और बेहतर हो सकता था। सिटी के हिसाब से परफॉर्मेंस अगर देखें तो जुपिटर का परफॉर्मेंस हमेशा से ही अच्छा था। इजीली आप एक फैमिली स्कूटर के तौर पे इसको आप डेली राइडिंग में यूज़ कर सकते हो, फैमिली को कैरी कर सकते हो और सिंगल व्हील चला सकते हो। टॉप स्पीड की बात करें तो 85 से लेकर 90 किलोमीटर के बीच में आपको टॉप स्पीड देखने को मिलेगा। और ओवरऑल अगर हम गाड़ी की ओनरशिप या फिर अफोर्डेबिलिटी की बात करें, तो हर जगह पे इसकी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं। हालांकि TVS की जो स्पेयर पार्ट्स है, थोड़ा सा होंडा वगैरह से ज़्यादा महंगा आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू भी अच्छा है। दोस्तों क्लासिक मॉडल कैसा लगा ज़रूर बताना, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।